हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो आज है ना, मैं यूट्यूब के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। जो मैं फील कर रही हूँ वही आपसे शेयर करने वाली हूँ। रोज़ का ब्लॉग है तो मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ नॉलेज डाल दूँ। तो यूट्यूब में बहुत सारे जो मैं कोई भी ऐसा लाइन होता है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा यूट्यूब से नाराज हूँ, मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है। आज क्या हुआ ना कि आज मैंने अपना शॉर्ट्स अपलोड किया और उसमें क्या था कि मैंने नील कमल मूवी, जो बहुत पुरानी मूवी है, उसमें से मैंने ये गाना, मतलब मैंने सर्च किया, वहाँ से गाना चूज़ किया, आजा तुझको पुकारे मेरी गीत रे आजा मितवा, और इसको मैंने यूट्यूब में अपना जो मतलब शॉर्ट्स होता है उसमें यूज़ किया। तो इसमें भी कॉपीराइट क्लेम आ गया, मतलब ये अब न्यू अपडेट है शायद कि आप सर्च करके कुछ न्यू सॉन्ग अपने मतलब जो शॉर्ट्स है उसमें नहीं डाल सकते हैं। जो सॉन्ग्स आ रहे हैं या जो दिख रहे हैं बस उसी को अपने शॉर्ट्स में डाल सकते हैं। तो मतलब टाइम टू टाइम इतना हार्ड होता जा रहा है ना इसका अपडेट्स, और इतने रूल्स होते जा रहे हैं कि यूट्यूब पे काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पहले ही मतलब यूट्यूब पे काम करने वालों को ना ये सोचना चाहिए कि बहुत पेशेंस लेकर और मतलब कि पैसे की चाह नहीं, एक जुनून लेकर काम करना होता है, क्योंकि इसमें मतलब सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत मतलब हार्ड मेहनत है, बहुत ज़्यादा। ऐसा बाहर से दिखता है कि हार्ड नहीं है, बहुत लोग दिखाते हैं कि यूट्यूब से मैंने ये कमा लिया, वो कमा लिया, ये हो गया, वो हो गया, तो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इसको सेकंड ऑप्शन में रखना चाहिए। अगर ये आपका जुनून है, पैसन है, तो इसको करते रहिए। अदरवाइज जो न्यू जो है मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं या कैरियर बनाने वाले, मतलब जिनका भी कैरियर स्टार्ट ही होने वाला है, तो वो सोचते हैं बहुत ईजी है, आप यूट्यूबर बन जाते हैं। तो नहीं, इसको मतलब सेकेंड ऑप्शन में रखिए। अदरवाइज जो है अपना अपनी पढ़ाई करिए या जो भी करना है, जो आप कर रहे हैं करना चाहते हैं वो करिए, और इसको जब ये देखिए अच्छा ग्रो कर जाइए उसके बाद इसको फुल टाइम अपना जॉब उसमें लीजिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर बनना बहुत आसान है, मुझे तो नहीं लग रहा। और रिसेंटली अभी ये तो बात सही है कि बहुत सारे नए यूट्यूबर आ रहे हैं और यूट्यूब पे टाइम टू टाइम मुझे लग रहा और बहुत सारे रूल्स नए नए होने वाले हैं, नए नए आने वाले हैं इसके फीचर्स। तो गॉड नोज क्या आए, कब आए, क्या अपडेट हो जाए नया। तो मुझे तो ये वाला अपडेट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और आप बताइएगा क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? और मुझे लग रहा है ये रिसेंटली अभी मतलब ऐसा कैसे हो गया, कॉपीराइट क्लेम आ गया मेरे शॉर्ट्स पर? पहले तो ऐसा नहीं होता था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि चलो शेयर करती हूँ मैं। और देखिए YouTube पे सक्सेस होने के लिए ये तो जरूरी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारा कंटेंट में बहुत ही दम हो, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो आपसे जुड़े रहें, बार बार वो आपके चैनल पर आए, मतलब कि आप हमेशा जो है वो मतलब आते रहे आपके चैनल्स पर। हर टाइम कोई किसी को कितना सपोर्ट करेगा और कितने मतलब बहुत टाइम तक किसी को सपोर्ट करके बहुत आगे तो नहीं जा सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो वही है, कंटेंट में दम लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एडिटिंग, थंबनेल। तो बस आज के लिए बस इतना ही मैं सोची आप लोगों को बता दूँ, भाई यूट्यूबर बनना इतना आसान भी नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। और एक तो यूट्यूबर जैसे ही हम बनते, जैसे ही हम अपना चैनल खोल देते हैं, हमें अपना पूरा टाइम देना पड़ता है, मतलब कि 24 आवर में से कम 16 आवर 10 आवर आपको यूट्यूब पे देनी ही होती है। क्या कैसे टेक्निकल, अगर आप कुछ नहीं जानते तो उसको सीखना पड़ता है टेक्निकल चैनल को देखकर। और कभी कभी हम स्ट्रेस्ड हो जाता है माइंड, कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं क्यों व्यूज़ नहीं आ रही है। तो ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस थोड़ा सा लाइटली लें, थोड़ा मतलब बहुत लाइटली भी ना लें। अगर बहुत ज़्यादा जुनून है कि नहीं मुझे ये काम करनी है तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा फील होता। और ज़्यादा ऐसे करते करते ना हम क्या होता ना कि मोबाइल एडिक्ट भी हो जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ध्यान नहीं दे पाते, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी और काम में, मतलब दिन भर हम उलझे रहते हैं इसी में। ये भी बहुत निगेटिव बात है भाई, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिन भर शूट करना फिर एडिट करना बहुत मतलब माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता है।
और तो बस यही है, कुछ नेगेटिव बातें हैं, जो नेगेटिव बातें क्या मतलब, थोड़ी ऐसी बातें हैं जो अपने व्यूअर से मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो सही है, जो मैंने अपने मतलब जो मैंने महसूस किया। जो अगर हम अपने किसी से कुछ बात शेयर करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ही रहता है ना, जो हम अपने मतलब कि चैनल पर उसको हम बताते हैं या लोगों से कहते हैं तो फिर हाँ। लेकिन अगर आपको भी मन है आपका अपना चैनल खोलने का तो एक बार ट्राई जरूर करें, एक बार कोशिश करें। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है और कोशिश करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है कि बस अब ये नहीं, अभी तो देखो अभी तो सब्सक्राइबर भी हाइट नहीं है, अभी सब्सक्राइबर भी दिख रहे हैं। तो देखो भाई मैं कितने सालों मतलब साल से 1 ईयर से तो ज्यादा ही हो गया और देखो मेरे कितने कम सब्सक्राइबर, अभी देख लेना आप। तो बस ये है। और हाँ, ज्यादा डिप्रेस ना हो और ज्यादा स्ट्रेस ना ले, बस एकदम लाइटली अपना काम करते रहें, अपने चैनल को डेड ना होने दें। अगर आपको बहुत जुनून है, पैसन है तो कहिए, आपके पास टाइम है लाइक मेरी तरह, तो काम करते रहिए अपने चैनल पर और सक्सेस जरूर मिलेगी। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू जो आगे अपना चैनल खोलना चाहते हैं, जरूर खोले, ट्राई करें। मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये भी अपने माइंड में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अपना मतलब इसको सेकेंड ऑप्शन में रखें। और अगर आपका कुछ पैसन है, कुछ जॉब आगे करना चाहते हैं, अभी कैरियर है, पढ़ाई है, तो वो भी जारी रखें अपना। और फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।